बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। और आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ ना, वो बहुत ही अच्छी है और बहुत स्पेशल है। आपने आज तक नहीं खाई होगी। तो अरवी के सालन तो बहुत तरीके से बनते हैं, लेकिन ये जो रेसिपी है ना, आप ट्राई करिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करें चलते हैं अपने किचन में। एक किलो मैंने अरवी ले ली। इनको अच्छे से वॉश करिएगा क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है। इसको पहले पानी में भिगो दें, उसके बाद इसको अच्छे से धो के ना, इसको आपने उबलने के लिए रख लेना। जो आपको इजी जिस तरीके से लगे, कुकर में उबालें या मिट्टी की हांडी में उबालें, इसमें भी बहुत जल्दी उबल जाती है। तो मैंने अच्छे से वॉश करके इसको पानी में रख दिए, नॉर्मल आलू जैसे उबलते हैं। इसके बाद देखें, इसमें उबाल आ गया, तो इसको मैं कवर कर दूँगी। जितनी देर में उबलेंगी हम दूसरा काम भी कर लेंगे साथ साथ। तो ये देखें, ये हमारी हो गई है, ये बहुत गर्म है। तो एहतियात से इसको रिमूव करिएगा। मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद फिर मैंने इसको रिमूव किया था, तो आसानी से इसके छिलके बिल्कुल जैसे आलू आप छीलते हैं इसी तरीके से होता है, और इजी भी है ये तरीका। तो ये देखें, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर आके मैंने कर लिया है। अब मैंने ले ली है 1.5 पाव दही, जो खट्टी होनी चाहिए, मीठी बिल्कुल भी ना हो। और उसमें 2 प्याज ले लूँगी, टमाटर का पेस्ट है 3 टमाटर का, और इसमें जाएगा धनिया पाउडर 2 टीस्पून दही के अंदर। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, नमक हसबे ज़रूरत। नमक आप थोड़ा डालिएगा, बाद में फिर चेक करके और डाल दिएगा। अब इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, और ज़ीरा पाउडर लिया है मैंने 2 टीस्पून लिया है मैंने। ये भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा नहीं है, नॉर्मल सादा ज़ीरा लेके आप इसका पाउडर बना लें, वो डाल दें 2 टीस्पून। अब इसमें जाएगा अमचूर पाउडर, खटाई पाउडर जो जिसको कहते हैं, वो 2 टीस्पून। इसको रख देंगे मिक्स करने के लिए। अब एक पैन में हम 4 लौंगें, 4 छोटी इलायची, तेज़पत्ता और 1 टीस्पून ज़ीरा, और कश्मीरी लाल मिर्च 5 से 6 अदद, वो डाल देंगे। और इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज बारीक कटिंग करके, वो इसको हम डाल देंगे। इतना फ्राई करना है, हमने इसको जलाना नहीं है, डार्क कलर नहीं देना, ब्राउन नहीं करना, कच्चा पक्का रखना है इसको। अब ये साइड में प्याज हमारी होती रहेगी। यहाँ हमने फ्राई पैन ले लिया है, आप चाहें तो डीप फ्राई करें या शैलो फ्राई करें, लेकिन मकसद ये है कि इसको गोल्डन करना है कलर। तो अब ये इसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से, और जब ये फ्राई होती हैं तो ये बहुत मज़े की लग रही थी। मैंने इसमें नींबू और मसाला डाल खाया तो बहुत मज़े के लग रहे थे, आप वैसे भी खा सकते हैं। और अभी तो हम रेसिपी बना रहे हैं, तो आप इस तरीके से देखें, ये रेसिपी बन रही है। जिसके तरीके इसके बहुत हैं, हम अरवियाँ बहुत तरीके से बनाते हैं, अरवी गोश्त, अरवी की सब्ज़ी, तो अरवी चिकन बना लेते हैं। तो ये रेसिपी आप बनाइएगा, ये बहुत मज़े की है, पराठे के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगती है। ये देखें, हल्का हल्का से इसमें कलर आ रहा है, इसको और कलर देना है थोड़ा। ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। गरम ऑयल में डालिएगा बिल्कुल, क्योंकि हमारी ये तो उबली हुई हैं, इनको तो बस कलर देना है गोल्डन। अब हमने जो एक साइड पे हमने प्याज रखी थी, वो भी हमारी अच्छे से कलर आ गया, लाइट लाइट सा। कच्ची पक्का रखना है बस, ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना हमने। लेकिन थोड़ी सी आपको कच्ची प्याज भी दिख रही होगी और थोड़ी सी लाइट कलर भी दिख रहा होगा, बस ये बस इतना सही है। अब इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी मैं इसको, और इसको भी मैं अच्छे से भुनूंगी ताकि लहसुन की ना आए बिल्कुल भी। इसकी भुनाई बहुत अच्छी करनी है आपने, प्रॉपर टाइम देना है रेसिपी को, तभी आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। पाँच मिनट तो लगेंगे इसके अंदर आपको इसको भूनने के लिए, ताकि लहसुन अच्छे से इसमें फ्राई हो जाए ऑयल में।
और वो जो हमने इसमें पेस्ट बनाया हुआ था दही के साथ सामान सारा डाला था वो अब इसके अंदर हम डाल देंगे। और इसको भी हम अच्छे से भूनेंगे। बनाइए, आपने बहुत अच्छी करनी है, तभी आपकी डिश में फ्लेवर अच्छा सा आएगा और आपको मज़े की लगेगी। ये अच्छा सा भुन रहा है इसको। देखिए इतना भुनना है कि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखिए ऑयल अलग हो गया है और हमारा मसाला भी अच्छा सा भुन गया है। बनाई पे ज़्यादा फोकस करना है आपने, क्योंकि इसका मसाला बहुत ही मज़े का बनता है। जब तक अच्छे से भुन ना जाए तो मज़ा नहीं आता। ये देखिए अब मैं उसको मसाले को साइड पे रख दूँगी, वो अपना थोड़ा भुनता रहेगा और मेरी अरवियों में भी अच्छा सा कलर आ गया है। और मैंने 4 से 5 हरी मिर्ची ले ली हैं बारीक काट के, इनको मैंने अच्छे से कूट लूँगी और वो इसमें मैं डाल दूँगी मसाले के अंदर। और ये साथ में मैंने टमाटर का जो पेस्ट बनाया था वो अब मैं डालूँगी, इसको भी डाल के हमें अच्छे से भूनना है। अभी मैंने इसमें हरी मिर्ची नहीं डाली हैं, पहले मैं टमाटर का जो पेस्ट डाला है इसको अच्छे से मैं भून लूँगी, इसका जो पानी है थोड़ा ड्राई हो जाए। और टमाटर को आप पानी डाल के बिल्कुल भी नहीं पीसिएगा, ऐसे ही पीस जाते हैं ये आसानी से। चाहें तो आप बारीक कटिंग करके भी डाल सकते हैं, लेकिन पेस्ट बना के जो डालते हैं ना तो उसका ज़रा अलग सा मज़ा आता है, क्रीमी क्रीमी सा। ये हमारा मसाला भी भून रहा है, इसको मैं साइड पे रखूँगी और अपनी अरवियों को फ्राई करके बस निकालना है उसे। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है। तो जैसे ये अब बन गई है ना, इसी टाइप में बस आपने लेमन और चाट मसाला वगैरह डालें और खाइएगा, बहुत मज़े की लगेगी। आ रहा है ना मुंह में पानी, तो दोनों चीज़ें बना के खा सकते हैं आप। टी टाइम में आप ये भी ऐसे भी खा सकते हैं और डिनर या लंच टाइम में आप ये सब्ज़ी बना के खा सकते हैं। ये हो गई है फ्राई। अब इसमें मैं जो आधी रह गई थी वो भी मैं इसमें डाल दूँगी, वो भी फ्राई कर लूँगी। ये यहाँ फ्राई होती रहेंगी, इसको थोड़ा टाइम लगेगा फ्राई होने में। अब हम मसाले की तरफ चले जाएंगे, उसको भी देख लेंगे क्या हुआ इसका। उसका पानी ड्राई हो गया है, देखें अच्छे से। इसको 1-2 मिनट और भूनूंगी। अब इसके अंदर मैं अरवी डाल दूंगी जो मैंने फ्राई करके रखी थी, और जो मैंने साइड पे रखी थी वो भी फ्राई हो गई हैं, तो सब अरवी मैं इसमें डाल दूंगी और इसको अच्छे से मैं इसको मिक्स करके थोड़ी देर तक भूनूंगी, ताकि इसका मसाले का जो फ्लेवर है वो अरवी में आसानी से चला जाए। थोड़ी देर आपने इसमें डाल के ना इसको अच्छे से आपने भूनना है, ताकि अरवी में भी इसका फ्लेवर आ जाए। चाहे तो आप थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर करके भी रख सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसमें हरी मिर्चों का जो मैंने कूट के रखी थी वो मैंने इसमें डाल दी हैं और इसको मैं करती रहूँगी थोड़ी थोड़ी देर में। कलर देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। तो इसके साथ पराठा खाएं, चपाती खाएं, ये बहुत मज़ा देगी आपको रेसिपी। और इस मौसम में तो बहुत ही अच्छी लगती है, बारिशों का मौसम हो तो ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए हमारा ऑयल भी बिल्कुल अलग हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसका मतलब हमारा मसाला
तैयार है। और मुझे थोड़ा नमक इसमें कम लगा था, मैंने कहा था नमक कम रखिएगा, बाद में आप डाल दिएगा, पहले कभी भी नमक जो है ना आप पूरा नहीं डाला करें, थोड़ा हाथ रोक के डाला करें ताकि आप बाद में दोबारा डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा हो गया तो निकालना मुश्किल है। अब इसमें डाल देंगे हरा धनिया, इसको 1-2 मिनट मिक्स करेंगे और ये हमारी रेसिपी तैयार है। हरा धनिया डाल के बस 1-2 मिनट बना पकाना है आपने, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो हरा धनिया पकता है ना फ्लेवर देता है, वो बहुत मज़े का लगता है। आपकी अरबी उबली भी हो तो आपका सालन भी झटपट तैयार हो जाता है, तो चाहें तो आप अरबी 1 दिन पहले उबाल के रख दें तो आप दूसरे दिन ये सालन बना लें, तो बहुत जल्दी आपकी ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। चलें तो इसको डिश में निकालते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स को मेरी ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वो भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ रहिएगा और दुआओं में याद करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।